हेलो जी। सो आज की वीडियो में हम लोग खेलने वाले इंडियन बाइक डैम थोड़ी गेम। मेरे को ऐसा रट गया ये फटाक से बोल देता हूँ। बाय द वे मैंने ये लास्ट वीडियो डाला था जिसमें तुम लोगों ने काफी सारे अलग अलग मिथ दिया मुझे कमेंट में, तो आज वो सब हम ट्राई करने वाले हैं। और कुछ मुझे मस्त से ग्लिच भी मिले हैं इस गेम में जो कि गेम को और अच्छा बना देते हैं। आई डोंट नो, ग्लिच से तो गेम और गंदा होता है लेकिन इससे अच्छा लग रहा है मुझे। बाकी तुम लोगों को ये तो पता ही है नया अपडेट में क्या क्या आ रहा है। नया हाउस आ रहा है, एक बोट आ रहा है और एक जेट आ रहा है, उसको जेट ही बोलते हैं, आई डोंट नो, फ्लाइंग वाला कुछ तो है वो, तो वो भी आ रहा है। बाकी अभी चलते हैं गेम पे। So, मैं ना तुम लोगों को सबसे पहले कुछ ग्लिचेस दिखा दूं क्योंकि मैं ना कुछ दिन पहले ऐसी रैंडम गेम खेल रहा था तभी मेरे साथ ये सारे ग्लिचेस हुए। बाय द वे सबसे पहले वाले ग्लिच के लिए हमें जाना पड़ेगा एयरपोर्ट। कितना ऐड दिखाते हो रोहित भैया, हर दो मिनट में आ रहे। वैसे ऐड ना आने का एक उपाय है, डेटा ऑफ करके रखो, ऐड ही नहीं आएंगे। बाकी मेरा डेटा चालू था ना इसलिए ऐड आ गया। ये पहुंच गए हम नागपुर एयरपोर्ट और इधर पे ना मुझे एरोप्लेन, ये एरोप्लेन नहीं है जो छोटा वाला एरोप्लेन है ना, इससे और हेलीकॉप्टर से कुछ ग्लिचेस है वो दिखाता हूँ मैं तुम लोग को। सो ये वाला जो प्लेन है और अभी हमें एक हेलीकॉप्टर मंगाना है, उसका नंबर क्या था, 8000 कुछ है। हाँ तो ये वाला हेलीकॉप्टर और ये आते ही, अरे यार नहीं हुआ, मुझे जैसा करवाना था वैसे नहीं हुआ, सॉरी। अभी नेक्स्ट ट्राई करते हैं, यार इस बार भी नहीं हुआ, शायद वो ग्लिच मेरे साथ एक ही बार होना था क्या। रुको एक बार और ट्राई करता मैं, ये 555 लिखा और अब मुझे हेलीकॉप्टर मंगाना है। देखो हेलीकॉप्टर ना इसके ऊपर आएगा और इसके अंदर घुस जाएगा, फिर हम इसको उड़ाएंगे, हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे तो नीचे वाला प्लेन भी उड़ेगा, ऐसा ग्लिच था। यार मैंने लाइन नहीं लगा दी इधर पे प्लेन मंगा मंगा के, हो ही नहीं रहा वो वाला ग्लिच। ऐसा वो लगता है बहुत रेयर ग्लिच है, वो कभी कभी होता है लेकिन मैं फिर भी ट्राई करते रहूंगा जब तक नहीं होगा। तो ये मैंने कहा फिर से प्लेन नहीं हेलीकॉप्टर मंगा दिया यार गलती से। ये लो फिर से गलती कर दी, 800 में ये आ गया, बाइक आ गया। अब वैसे रुको बाइक इधर पे आए ना तो मैं ट्राई करके देखता क्या बाइक भी साथ में उड़ेगा मेरे हेलीकॉप्टर के साथ। बड़े भाई ये तो हेलीकॉप्टर ही नहीं उड़ रहा, मतलब ऊपर ही नहीं जा रहा, ये वाले बटन से ही जाता है पर ये हो ही नहीं रहा, ऊपर अटक गया शायद, ये बाइक की वजह से कुछ ग्लिच हो गया। ये भी एक ग्लिच है फिर तो, मैं कर ने कोई और ग्लिच आया था, हो कोई और ग्लिच गया लेकिन ये भी बढ़िया, मतलब प्लेन नहीं उड़ा, हेलीकॉप्टर नहीं आ रही। मैं हेलीकॉप्टर को प्लेन की बोल देता हूँ और प्लेन को हेलीकॉप्टर की बोल देता हूँ, कितना कॉम्प्लिकेटेड है यार ये। बाय द वे मुझे ब्लास्ट करना पसंद है तो मैं इसे भी ब्लास्ट कर दूंगा, ये खत्म। बाकी ये वाला ग्लिच तो हमसे हुआ नहीं, तो अभी ना हम एक मिथ ट्राई कर देते हैं जो कि तुम लोगों ने हमें कमेंट पे दिया था। पहला मिथ, फरारी के टायर में फरारी के लोगो है। भाई फरारी की कार है तो ऑफकोर्स फरारी का ही लोगो रहेगा, पर लेट्स ट्राई, मैंने कभी नोटिस नहीं किया ये चीज। सो ये हेलीकॉप्टर से ही हम लोग चलते क्योंकि हमारा फरारी जो है वो शोरूम पे खड़ा हुआ है और शोरूम साइड इस साइड ही है। तुम लोगों को पता ही यार शोरूम अभी नया अपडेट में आया था ना लास्ट मंथ। मैं अपनी इंडियन बाइक ड्राइविंग थोड़ी गेम में बकवास बहुत करता हूँ ना। बाय द वे ये रहा हमारा शोरूम, बस मुझे अच्छे से लैंड कराना है, स्मूथ लैंडिंग किया हमने। बाय द वे यहाँ पे खड़ी हमारी काफी सारी कारें जैसे लैम्बोर्गिनी, मस्टैंग, फरारी और सुपरा भी खड़ी है, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ से फरारी बाहर लेके चलते हो क्योंकि यहाँ पे अंधेरा बहुत है। ये रही हमारी फरारी, भाई मुझे फरारी बहुत प्यारी लगती है। बाय द वे मैं इंडियन बाइक इंडियन नहीं यार GT5 का वीडियोस डालू क्या, तुम लोग देखोगे बताओ ना कमेंट में प्लीज। तो हमें देखना था टायर में इसका लोगो है कि नहीं है। हाँ लोगो तो है, एक जानवर बैनर को इसमें अच्छे से दिखेगा। हाँ लोगो तो है पर आई थिंक ये रियल वाला लोगो नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसके सामने भी लोगो लगा है क्या? यहाँ पे तो कुछ भी लोगो नहीं है, इसके साइड में कुछ है, साइड में भी नॉर्मल ही है, पीछे से भी नॉर्मल ही है, पीछे भी कुछ लोगो या फिर नंबर प्लेट ऐसा नहीं लगा है। ये वाला कांच ना रुको मैं गन से तोड़ता हूँ, नहीं टूट रहा। भाई मैं गाड़ी इसलिए चेक कर रहा था क्योंकि फिर तुम लोग कॉमेंट में कुछ बताओगे कि भाई इस गाड़ी में देख ऐसा ऐसा है, इसलिए मैं देख रहा था कहीं कुछ और तो इंटरेस्टिंग सा नहीं है। बाकी ये साइड वाला कांच नहीं टूटता, सामने वाला तो टूट गया। अरे यार धुआं ना निकला है तो मैं बंद कर देता हूँ, नहीं फोड़ना गाड़ी वाड़ी। आई मीन धुआं तो पहले से ही निकल गया पर ब्लास्ट ना हो जाए। वैसे मैं गाड़ी को अभी लेके जाऊंगा ना, अगर आदमियों में उड़ाऊंगा तो पुलिस नहीं लगेगी और अगर मैं गाड़ियों पे गाड़ी भिड़ाऊंगा तो नहीं फूटेगी, ब्लास्ट नहीं होगी गाड़ी, बस धुआं ही निकलता रहेगा। पर अगर इस पे मैंने 1-2-4 गोली मारा ना गाड़ी ब्लास्ट। अरे यार ये क्या ग्लिच है, अभी उस पे चिपक गई गाड़ी मेरी। बाय द वे अब ना हम लोग एक और ग्लिच ट्राई करने वाले हैं जिसमें हम लोग दो हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ा सकते हैं, वो भी ऐसा दो हेलीकॉप्टर चिपका के वैसा वाला नहीं। मैंने ना ये वाला वीडियो देखा था जय ओपी भाई का जिसपे ये बंदा साइड में दो हेलीकॉप्टर लगा के उड़ा देता है। लेट्स ट्राई हमसे होता है कि नहीं होता, बिकॉज मैंने तो ऑफ कैमरा ट्राई किया था नहीं हुआ, पर अभी कैमरे में देख रहा हूँ होता है कि नहीं होता। सो मैंने पहला हेलीकॉप्टर मंगा लिया और अभी दूसरा हेलीकॉप्टर जस्ट इसके बगल में आता हूँ और मुझे ना बस वो जो इनका ब्लेड है ना वो जो सर्कल सर्कल फिरता है तो वो दोनों को अटैच करके रखना है। तो मैं ये वाला उड़ाऊंगा तो वाला फंस के ऑटोमेटिक उड़ेगा, लेकिन ये तो नहीं उड़ रहा यार, ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, ये तो कितना इजी भी है। मैम वो वाला मिथ भी मेरे से नहीं हो रहा था, ये वाला मिथ भी नहीं हो, मिथ नहीं सॉरी ग्लिच जो मैं स्टार्टिंग में ग्लिच कर रहा था ना, तो मैंने काफी सारे अलग अलग हेलीकॉप्टर मंगाए थे तो वो वाला हेलीकॉप्टर यहाँ पे भी गिरा है, मतलब मैंने ब्लास्ट भी किया था पर ये यहाँ से निकल गया। एग्जैक्ट
अबे ये जाली हर पर कर क्या, ये भी एक ग्लिच हुआ तो फिर। अरे मेरा हर बार कही है, मैं कुछ करने कुछ और आता हूँ और वो कुछ और जाता है। बढ़िया है भाई, इतने सारे हेलीकॉप्टर के साथ कर रहा हूँ तभी तो वाला ग्लिच नहीं हो रहा मेरे साथ। वैसे जय ओपी का भाई का देखो, वो लोग उसने ना कुछ ऐसे किया था तो उसका हो रहा था, पर हमारा नहीं हो रहा है। सो हमारा गेम कुछ ज्यादा ही अच्छा है, मतलब हम पे ग्लिच वर्क नहीं करता। क्या बकवास करता हूँ मैं, बाय द वे अभी नेक्स्ट ग्लिच देखते हैं हम। सो हमें अभी जाना है ये वाली बिल्डिंग के नीचे और यहाँ पे एक थार मंगानी है, और उस थार से रुको मैं तुम लोग को करके ही दिखाता हूँ ना डायरेक्ट। ये आ गई हमारी थार और इसे हमें लेके जाना है उस बिल्डिंग के एकदम अटैच साइड में, अटैच कर देना है और जिससे हम बिल्डिंग के अंदर चले जाएंगे। और उसके बाद जाने के बाद रुको मैं तुम लोग को करके दिखाता हूँ, पहले तो इसे मैं साइड में अटैच कर दूँ बिल्कुल, वेट दूर से ले जाके अच्छे से सटा देता हूँ। अभी परफेक्ट है, यहाँ से मैं उतर जाता हूँ और अब मैं हो जाऊंगा जमीनी बिल्डिंग के अंदर। सो अब हमें मंगाना है इधर पे टैंक, और टैंक का नंबर ये मैंने डाल दिया और यह आई है टैंक। अब हमें ना इस टैंक को ऐसा धीरे धीरे ले जाना है इस बिल्डिंग के बाहर, और ये टैंक छोटा हो जाएगा शायद, होप सो ये वर्क कर जाए। मैं धीरे धीरे लेके जा, ओ कुछ तो हुआ। वेट, ये जमीन के अंदर का बाहर आ गया, ये छोटा नहीं हुआ। मैं ना इसको दूसरे बिल्डिंग में ट्राई करता हूँ, ये जो सामने बिल्डिंग है ना इस वाले बिल्डिंग में चल के ट्राई करता हूँ। यार इधर पे तो टैंक ही नहीं आ रहा, देखो ऐसे मंगाता हूँ ये अंदर चला जा रहा है जमीन का। मुझे कोई और बिल्डिंग पे जाना पड़ेगा। ये अपने घर के बगल वाला बिल्डिंग बेस्ट है ना, रुको यहाँ पे साइड में जाके हमारा ड्राइवर का चेहरा किस साइड है, इस साइड है, सॉरी तो हमें वापस से मुड़ के जाते हैं और फिर साइड में रहकर इस वाले बिल्डिंग में मैं भी वर्क करे। सो अब आ चुके हैं बिल्डिंग के अंदर और इधर मैं मंगाता हूँ मैं टैंक, और इस बार तो जमीन के अंदर भी नहीं है। हेलो टैंक इधर है भाई, छत में चला गया क्या? वेट ओ ये तो एक अलग ही ग्लिच है, ऐसा लग रहा है आसमान में उड़ रहा है ये टैंक। पर मैं इस टैंक को ब्लास्ट नहीं कर सकता, रुको मैं एक कार मंगाता हूँ और फिर कार मंगा के उसे ब्लास्ट करके देखता हूँ क्या वो होगा कि नहीं। ये मैंने मंगाया थार और ये वाले रॉकेट से ना अभी उसे फोड़ता हूँ। कहाँ पे है ये रहा, इसे हम फोड़ सकते हैं। ओके हम ये टैंक नहीं फोड़ सकते, टैंक तो सर रोड पे भी नहीं फोड़ सकते। और अभी तुम लोग एक मस्त ग्लिच दिखाने वाले हो जिसमें एक कुत्ता बैठ के गाड़ी चलाएगा, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मेगा रैम। तो सबसे पहले तो मुझे एक कुत्ता ऑर्डर करना पड़ेगा, कुत्ते का नंबर हाँ यही है, ये आ गया कुत्ता। और अब मुझे करना पड़ेगा आया भूसा बाइक ऑर्डर, ऐसा लगेगा ना ये देखो, ऐसा लग रहा है कुत्ता उस पे बैठा हुआ है सामने से, देखो उसके पैर ना अंदर घुस गए इसलिए ऐसा लग रहा है वो गाड़ी चलाने वाला है। अभी मैं इस गाड़ी पे बैठूंगा ना तो देखना मैं भी कैसा दिखूंगा, ऐसा लगेगा कि एक कुत्ता वाला इंसान। रुको यार मैं करके ही दिखाता हूँ ना मैं कितना बकवास करता हूँ, ये देखो इस चीज की बात कर रहा था मैं, ऐसा लग रहा है वो कुत्ते के दो हाथ हैं और वो गाड़ी चलाने वाले, मेरा चेहरा तो दिख ही नहीं रहा, कुत्ते के अंदर घुस गया है। ये अलग ग्लिच है, पर यार ये गाड़ी आगे ही नहीं चली, बढ़ी नहीं रही, मैं फुल एक्सीलेटर दे रहा हूँ पर नहीं चल रही है गाड़ी। अभी मेगा रैम का एक और ग्लिच दिखाता हूँ जिसके लिए मैं मेगा रैम पे आया, बाकी मैं पहले तो इस कुत्ते को उड़ा दूं भाई, ये खड़ा हुआ है बेचारा। सो हमें लेनी है कार, ये ऑडी हमने अपनी ले ली और अब मुझे इसे लगाना है साइड में, और साइड में लगाने के बाद ये आर्बर तो हो जाएगा, पर रुको मैं तुम लोग को करके दिखाता हूँ। ये मैं ले आया साइड में गाड़ी और अब जस्ट मुझे उतर जाना है, और मुझे वो फुल हेल्थ वाला चीट कोड भी लगा लेना है तुम लोग को, तभी ये वर्क करेगा। देखो अभी मेरे को ऐसा बाहर में देना, अब जब मैं गाड़ी में बैठूंगा, पहले तो ये उठ जाए मेरा करेक्टर, हाँ तो अब मैं गाड़ी में बैठूंगा और देखना क्या होता है। ये देखो उसको बाहर निक दिया, और अभी देखो हमारे करेक्टर अलग ही नशे में आ गया। अब मैं इसको ऐसे ही कंट्रोल कर सकता हूँ पर मेरा गाड़ी आगे पीछे नहीं बढ़ सकता, मेरा करेक्टर ही बढ़ेगा। क्या फालतू ग्लिच है। बाय द वे मैंने ना ये वाला वीडियो डाला था, यूट्यूब इवेंट में गया था, पप्पा को सरप्राइज किया, फ्लाइट टिकट से ये सब का मैंने वीडियो डाला था, अगर तुम लोग को देखना हो तो यहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है, बाय बाय।